मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के मास के लिए टर्म इस मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल होता है, फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स की मासेस के लिए वर्ड फार्मूला मास इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम्स के केमिकल मिलाप के नतीजे में फॉर्म होता है और कंपाउंड्स अपोजिटली चार्ज आयंस के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती है। इससे पहले हमने एटॉमिक मास का या रिलेटिव एटॉमिक मास का जिक्र किया था। रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने डिफाइन किया था कि एटम का या किसी भी एटम का वो मास जिसको कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करके निकाला जाए उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। चूंकि मॉलिक्यूल या कंपाउंड वो प्राइमरली एटम से बने होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास बिल्कुल उसी तरह से जैसे एटॉमिक मास निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास भी कार्बन 12 के 12वें हिस्से के कंपैरिजन के बाद निकाला जाता है, ड्राइव किया जाता है। तो पहली डेफिनेशन उस कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पर जिसमें हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन उसी बुनियाद पे फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास ड्राइव होते हैं। और फिर दूसरी, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम ये कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम हमें मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास प्रोवाइड करता है। इस बात को समझने से पहले हम कुछ टिपिकल और कुछ अहम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मास को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं एटॉमिक मासेस को राउंड फिगर में मेंशन कर लूंगा फ्रैक्शन की बजाय। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, फिर नंबर 2 पे हीलियम मास एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3 मास नंबर 7, फिर ब्रिलियम 4, 9 और फिर बोरोन का 5, 11, कार्बन 6, 12, हाइड्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16 और फिर हमारे पास फ्लोरीन 9, 19 है, नियोन 10, 21 है, सोडियम 11, 23 है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम 12, 24, एल्युमिनियम 13, 27, सिलिकॉन 14, 28, फास्फोरस 15, 31, सल्फर 16, 32, फिर मेरे पास अर्गॉन 18, 40, पोटेशियम 19, 39, कैल्शियम 20, 40 और फिर 21 पे स्कैंडेनियम है 21, 45, टाइटेनियम 22, 48, वनेडियम 23, 50 और फिर लास्ट में क्रोमियम 52। ये हमारे पास 24 एलिमेंट्स है जिसके मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस डिस्कस किए। ये एटॉमिक मासेस हम कैलकुलेट करके इस डेफिनेशन के मुताबिक कुछ टिपिकल एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास नंबर फर्स्ट एग्जांपल है मोलर मॉलिक्यूलर मास के हवाले से। मॉलिक्यूलर मास के हवाले से कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहाँ पे 3 एटम्स है, 2 ऑक्सीजन के, कार्बन के, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और यहाँ पे चूंकि 2 ऑक्सीजन है इस मल्टीप्लाई विद 2, तो जितने भी एटम्स की तादाद होगी किसी गिवन एटम की उसको उसके एटॉमिक मास को उसकी तादाद के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 32 और 1244 AMU या यू को यूनिफाइड एटॉमिक मास कहा जाता है। ये हमारी पहली एग्जांपल है। फिर दूसरी एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज है हमारे पास। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि कार्बन के एटम्स की तादाद 6 यहाँ पे है और फिर इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 फिर प्लस ऑक्सीजन 16 और इसके एटम की तादाद 6 है, ये हमारे पास 72 प्लस हाइड्रोजन का 12 आएगा और फिर 96 सबको सम अप कर लेंगे 180 यूनिफाइड एटॉमिक मास होगा। फिर हम ये दो एग्जांपल्स मॉलिक्यूलर मासेस के हवाले से हैं, फिर दो एग्जांपल्स जो है हम फार्मूला मास के हवाले से डिस्कस कर लेंगे। फार्मूला मास में पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का एक एटम है
सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और क्लोरीन का 35.5, दोनों को सम अप कर लेंगे 58.5 यूनिफाइड एटॉमिक मास आएगी। फिर फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें यहाँ पे तीन मुख्तलिफ एटम्स हैं, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम की तादाद यहाँ पे तीन है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3 ये 48 आएगी, इन दोनों 52 प्लस करेंगे 100 म्यू यूनिफाइड एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगी। फिर हम ये कहते हैं कि जो फार्मूला मास की एग्जांपल्स और मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल्स, दोनों के लिए हम एक कॉमन टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको मोलर मास कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम आमतौर पर बात करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के, मॉलिक्यूल्स के या फिर कंपाउंड के फार्मूला मास की बात करते हैं, तो हम चूंकि उनके एक मोल को कोट करते हैं, देयरफॉर हम इन को इनके लिए कॉमन टर्म मोलर मास भी इस्तेमाल करते हैं। तो मोलर मास किसी भी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के एक मोल का मास होता है, जिसको मोलर मास भी कहा जाता है। डिस्कस कर लेंगे मोल और एवोगैड्रोस नंबर। मोल के हवाले से हमने ये समझना है कि हम जब एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस और मॉलिक्यूलर और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात जब करते हैं, तो जरूरी नहीं है हम सारी की सारी कैलकुलेशंस एटॉमिक लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर कर लें। हम ये भी देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस रूनमा होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, उसमें बहुत सारे जो अमाउंट होती है या मास ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस और दूसरी सब्सटेंस को कैलकुलेट करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करके कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना लेती है, ये अक्सर और बेशतर जो है टन्स और उससे बड़ी यूनिट्स में चली जाती है। तो सवाल ये है कि ये कन्वर्जन कैसे मुमकिन हो सकती है, हम किस तरह से जो एटॉमिक लेवल पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फार्मूला यूनिट्स, इनके मासेस को हम किस तरह से जो है बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर ले और उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो अब का टॉपिक होगा मोल और एवोगैड्रोस नंबर, इसको ये दो टॉपिक हमें आज इस बात को समझने में मदद फराहम करेगी। हम ये कहते हैं कि मोल के हवाले से कि जब भी हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी आयन के आयनिक मास को, किसी कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम मोल का नाम देते हैं। फिर दूसरी तरफ हम एवोगैड्रोस नंबर, ये भी सवाल पैदा होता है कि जब हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर आयनिक और फार्मूला मास की बात करते हैं, तो वहां पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स डिस्कस हो रहे होते हैं, लेकिन मोल में हम जब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर आयनिक और फार्मूला मास को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसमें एटम्स का क्या बनेगा, क्या एक ही एटम ग्राम में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, नहीं, उसके लिए हम ये कहते हैं कि वहां पे एटम की तादाद बढ़ानी पड़ती है। तो कितनी ये एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस की तादाद बढ़े, उस हवाले से एमिटो एवोगैड्रो ने गालिबन जो है ये 19th century के अवाखिर में इन्होंने एवोगैड्रो नंबर जो है इंट्रोड्यूस कराया था। एवोगैड्रोस नंबर जिसको एन ए से जाहिर किया जाता है, इसमें 6002 इंटर्न्स पर 23 पार्टिकल्स को ये शो करता है, और किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतनी होती है, ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। कुछ और सवालात के ये एवोगैड्रोस नंबर किस तरह से या फिर मोल की क्या जो है वो जो जस्टिफिकेशन हो सकती है, एवोगैड्रोस नंबर की क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इस्तलाहात इस्तेमाल होते हैं जो ऑथेंटिक इस्तलाहात है और इसको साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम एक डोजन की बात करते हैं, तो एक डोजन कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर 12 आइटम्स होनी चाहिए। फिर इसी तरह से जब हम पेयर की बात करते हैं, तो पेयर में 2 आइटम होना चाहिए। जब हम सेंचुरी जो है वर्ड इस्तेमाल होता है, सेंचुरी फॉर 100 पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, और मिलेनियम जो है वो पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जब मोल की बात करते हैं, तो मोल किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसी तरह से साइंटिफिकली फिक्स्ड हुआ है, जिस तरह से मिलेनियम, डोजन, पीयर और सेंचुरी के लिए ये
जो वैल्यू से ये फिक्स हुए हैं, तो 6.022 इन टेंस पावर 23 ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल, किसी भी एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। अब हमने ये देखना होगा कि जब हम मोल की बात करते हैं तो हम एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फार्मूले, इनर्ट्स को कितना बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि जो 100 पार्टिकल्स होगा जिसको हम 10^2 कहते हैं, 100 पार्टिकल्स यहाँ पे, ये 100 पार्टिकल जो है मोल की फॉर्मेशन के लिए काफी नहीं होगा। इसी तरह से 10^3000 होगा, फिर 10^6 मिलियन होगी, 10^9 बिलियन होगा, 10^12 ट्रिलियन ट्रिलियन होगी, 10^15 जो है क्वाड्रिलियन होगा, 10^18 क्विंटिलियन होगी, और फिर 10^21 सेक्टिलियन होगा। तो अमूमन जो है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 602 सेक्टिलियन पार्टिकल्स पाए जाना इसका जरूरी होता है, जो कि एवोगैड्रोस नंबर जो है इसी नंबर को शो करता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जिसमें 12 ग्राम कार्बन एटम होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6602 सेक्टिलियन होगा, या फिर 6.022 अगर हम इस पॉइंट को दो जो डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर ले तो ये 10^23 एटम्स होंगे। फिर इसी तरह से अगर हम किसी मॉलिक्यूल के एक मोल की बात कर ले, लाइक H2O का एक मोल 18 ग्राम होगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब जो 6.022 इन 10^23 मॉलिक्यूल्स होगा, जिसमें एटम्स की तादाद जो है वो 3 होगा, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन। इसी तरह से 1 मोल आयनिक कंपाउंड की जब बात की जाए तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है, लेट से सोडियम क्लोराइड है, ये 58.5 ग्राम होगा, इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स 6.022 इन 10^23 जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। 1 मोल आयन की बात कर ले, लाइक सोडियम आयन, इसका 23 ग्राम मास होगा, तो इसको हम 23 ग्राम, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इन 10^23 आयन्स होंगे। तो ये मोलर एवोगैड्रोस नंबर का आपस में रिलेशनशिप है।